Assalamualaikum everyone. This is me again with lecture number 13 of CS504 software engineering. हम software engineering के design phase से निकला है. अब हमारा ये object oriented पे है. ये हमने पहले भी एक CS304 में पढ़ चुके हैं. आपको तो नहीं पता लेकिन मैं तो पढ़ चुका हूँ CS304 में object oriented के बारे में. इसके analysis and design के बारे में बात करें. First topic concepts में कि object oriented design why. अब software जो होते हैं वो primarily use होते हैं रियल लाइफ प्लेयर एक शो कर लेते हैं उसके अंदर. सेकंड नंबर पे प्रोसेसेस चल रहे हैं उसमें, मतलब रियल लाइफ जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह थे उनके ऊपर हम प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे थे सॉफ्टवेयर के अंदर. ठीक है, तो अब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पढ़ना. ठीक है, तो पहले जो था इन द पास्ट वो ये था कि इन्फॉर्मेशन जो थी वो तो इनपुट करते थे हम, तो हमें आउटपुट जो था वो प्रोसेसिंग के बाद मिल जाता था आउटपुट उसका. तो अब जो है कि उसमें जो था क्लियर नहीं था हमें कि रिलेशनशिप क्या है इन्फॉर्मेशन के अंदर एंड प्रोसेसेस के अंदर. तो जो उनसे रिलेशनशिप था उनके बीच में मैपिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोसेसेस वाज हिडन इन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स. क्योंकि सॉफ्टवेयर के जो से फंक्शन थे ना उनके बीच में वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जो थे और जो प्रोसेसेस वगैरह उसके ऊपर जो दौड़ थे ऑब्जेक्ट्स वगैरह तो वो सब हिडन थे हमारे पे. हमें पता नहीं था चला क्लियरली कैसे सिस्टम काम कर रहा है. इसी तरह जो है उसके अंदर नो मैकेनिज्म फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसीजर अमंग द ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो हम एक जो है क्लास क्रिएट करते हैं फिर हम उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते रहते हैं. यानी कि एक दफ़ा हमने क्लास डिफाइन कर दी दोबारा हम ऑब्जेक्ट उसके बना रहे हैं. लेकिन जैसे पहले फंक्शन थे इन द पास्ट उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं था जिसमें हम एक जैसी प्रॉपर्टी जो है उनको दोबारा यूज़ कर सके. तो दोबारा से यानी कि दोबारा हर चीज़ उन्हें डिफाइन करनी पड़ती थी उसमें. फिर बाद में जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है ये डिफाइन की गई. तो ये रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जो है इसकी मॉडलिंग के लिए जो है वो यूज़ हो रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो इसमें हम क्या करें बाय एनकैप्सुलेटिंग डाटा एंड प्रोसेसेस रिलेटेड टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और प्रोसेसेस इन अ सिंगल सॉफ्टवेयर एंटिटी. हम इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं डाटा की और प्रोसेसेस जो है उस पर यूज़ हो रहे हैं इनकैप्सुलेशन वगैरह जो भी है. सो ऑब्जेक्ट्स कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स. तो ये एक दफ़ा जो क्लास क्रिएट होगी उसके हम दोबारा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या फिर हम दोबारा जो है एक अगर चाइल्ड क्लास क्रिएट करें तो वो भी हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं उसके बीच में. इनहेरिटेंस वगैरह हम आगे जाके पढ़ेंगे थोड़ा सारा. इसी तरह नीचे जो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट वर्क्स इज इनवेरिएबली फाउंड टू हैव इवॉल्व फ्रॉम सिंपल सिस्टम. कोई भी मुश्किल काम जो है ना वो उसे आसान करके जो है ना वो तब सॉल्व किया जाता है उसको. इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम ऑल्सो प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यानी कि स्ट्रक्चर जो है सिस्टम का वो भी हमें पता होना चाहिए किस तरह हम डिज़ाइन कर रहे हैं. अब ये ऊपर जैसे ओल्ड सिस्टम में था ये कोई और स्ट्रक्चर था. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ये एक और स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास. एंड ऑल्सो वी अंडरस्टैंड ऑनली दो सिस्टम विच हैव हायरार्किकल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर हमारे इसके कि सिस्टम कोई भी डिफाइन करने में बहुत अहम किरदार करता है और वो सिस्टम हमें समझ आता है जो हायरार्किकली हमें डिफाइन किया जाए जैसे स्टेप बाय स्टेप. एंड वेयर इंट्रा कंपोनेंट लिंकेज आर जनरली स्ट्रॉगर दैन इंटर कंपोनेंट लिंकेज. यानी कि इंट्रा लिंकेज वो स्ट्रॉन्ग हो तो तब हमें जो है सिस्टम बहुत ईजीली समझ आ जाता है और हायरार्किकली डिफाइन किया. जैसे अगर कोई मोटरसाइकिल से हमने तैयार कर रहा है अगर वो एक बंदा तो नहीं ना तैयार, एक बंदे की जिम्मेदारी टायर तैयार करना, दूसरे बंदे की जिम्मेदारी होगी हैंडल तैयार करना, तीसरे की इंजन पे काम होगा, ऐसा डिफाइंड रहता रहता है. अब इंट्रा लिंकेज होगी है. ठीक है, एक बंदा एक चीज़ पे काम कर रहा है. ठीक है, अब एक बंदा इस पे कर रहा है, दूसरा इस पे कर रहा है, तीसरा इस पे कर रहा है, चौथा इस पे कर रहा है. इंट्रा लिंकेज होगी इसमें. अब तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है तो वो समझना ईजी होता है. ठीक है, तो इसका फायदा में ये होता है लीड्स टू लूज कपलिंग एंड हाई कोहेजन और मोर मेंटेनेबिलिटी. मेंटेनेबिलिटी यानी कि बाद में अगर हम लेटर जब तो बारह दिन पड़े उस स्ट्रक्चर को समझने की तो हम वो इजीली समझ सकते हैं टू दैट पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें जाकर समझना उसे. तो ये बेसिक जो थी डिज़ाइन की कंसिडरेशन के लिए थे. ठीक है, एग्जाम्पल है मेरे ये सारा दिया गया सिर्फ सिस्टम को समझने के लिए. स्ट्रक्चर कह रहे हैं सिस्टम कह रहे हैं. तो अब जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना ये कंसिस्ट है ऑब्जेक्ट्स विच आर जनरली हायरार्किकल हाईली कोहेसिव एंड लूजली कपल्ड. तो ऊपर हमें एग्जाम्पल दिया कि सिस्टम जो होता है उस कोई अच्छा सिस्टम को किस तरह होता है किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है. तो नीचे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की वो चीज़ें बताएं हायरार्किकल भी है. ठीक है, उसी नंबर पर हाईली कोहेसिव भी है और लूजली कपल्ड भी है. सो ये एडवांटेज जो है वो बताएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंटली अट्रैक्टिव देन अदर टेक्नोलॉजीज. क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडबिलिटी. सेकंड नंबर यूजबिलिटी एंड रिड्यूस एफर्ट इन मेंटेनेंस एंड एनहेंसमेंट. ये क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग इसलिए है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है ये क्लोजर टू द वर्किंग ऑफ ह्यूमन कॉग्निशंस. क्योंकि ये हमें समझना ही चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है कि एक ऑब्जेक्ट है जैसे इंसान ऑब्जेक्ट है उसके ना दो टांगे दो हाथ इस तरह कान नाक ये सब कुछ. हमें समझना ही होता है कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी. एंड उसकी रीयूजबिलिटी दोबारा एक ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हुआ तो उसके हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं. ऑफ लो इंटरडिपेंडेंस अमंग ऑब्जेक्ट्स. अगर हम जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करें वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते क्योंकि जैसे हम क्रिएट करते हैं
एक पर्सन की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट एक पर्सन ए सेकंड पर्सन बी, तभी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे पर्सन, ठीक है। इसलिए जो लो इंटरडिपेंडेंस अमंग ऑब्जेक्ट्स, लो इसलिए बोला क्योंकि आगे जाके हम दोबारा जब कहते हैं कि ये पर्सन है, इसके ये चाइल्ड है, ठीक है, दो इसके चाइल्ड है, उसमें थोड़ा सा डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन तब इसलिए उन्होंने कहा लो इंटरडिपेंडेंस। आगे प्रोविजन ऑफ जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन थ्रू इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे उसमें ये आएगा जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, एंड ऑल्सो रिड्यूस एफर्ट इन मेंटेनेंस एंड एनहेंसमेंट। ग्रेटर ऑन जब हम इसमें कोई एडिट करना चाहेंगे कोई भी चीज़, मिसाल तौर कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट हम एडिट करेंगे, ना कि पूरी ना बाहर चीज़ जाकर हर ऑब्जेक्ट को एडिट करेंगे, कोई एक एक चीज़ एडिट करनी थी, इसलिए वो हमारी एफर्ट जो थी उसमें लगेगी वो कम लगेगी। अब जो है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन, C++ में हम दो तरह से सॉफ्टवेयर क्रिएट करते आए हैं, एक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किया, ठीक है, उसमें क्लासेस बनाते रहे हैं, उससे पहले हम जो है फंक्शन ओरिएंटेड करते रहे हैं। तो इसमें हम जो से ये कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को और फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन को, कि कितना हो टू ड्राइव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, ये एन होगा सिर्फ, एन नहीं है, एंड नहीं, एन है सिर्फ ये, तो इसके नीचे देखते हैं कंपेयर करके। तो अभी फंक्शन ओरिएंटेड यानी कि एक्शन ओरिएंटेड जो प्रोवोजन है, इसमें डाटा जो है वो कंपोज डिकम्पोज रहता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स। हमारा प्रोग्राम जो सर रन हो रहा है वो फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रन हो रहा है, दिस दैट इज डीकम्पोजिशन रिवॉल्व अराउंड फंक्शंस। तो जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये ओ जो था ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच डीकम्पोजिशन ऑफ ए प्रॉब्लम रिवॉल्व अराउंड डाटा। ये सेम एग्जाम्पल हमने ऊपर देखी है, क्योंकि अब ये इसमें जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वही डीकम्पोजिशन जो है वो डाटा के ऊपर हो रही है, मतलब प्रोग्राम हमारा जो रन हो रहा है वो डाटा के थ्रू हो रहा है। इसमें फंक्शन ओरिएंटेड में जो है हमारा फोकस होता है फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, और डाटा को जो है हम वो टिपिकली इग्नोर कर लेते हैं, अगर उसकी जरूरत पड़े तो यूज़ कर लिया वरना इग्नोर करके हम यूज़ कर लेते हैं उसे। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये है कि हम फोकस करते हैं दोनों चीज़ों पे, फंक्शनैलिटी भी और डाटा पे भी, तो दोनों में डिफरेंट जो है वो डिसेंट्रलाइज कंट्रोल एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल मैकेनिज्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो है वो डिसेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, तो जबकि दूसरा जो है सेंट्रलाइज कंट्रोल वो फंक्शन ओरिएंटेड में होता है। डिसेंट्रलाइज गिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड द एबिलिटी टू हैंडल एसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी बेटर देन एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। मुश्किल टास्क वगैरह जो है वो डिसेंट्रलाइज कंट्रोल जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसमें इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी नीचे फिर एक एग्जाम्पल दी वही वाली सेम जो ऊपर दी थी, इसमें ये डाटा हमारे पास इसमें स्टोर है, तो ये फंक्शन, अब ये फंक्शन जो है ये डाटा को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम फंक्शन चलाएं अगर जरूरत पड़े डाटा की तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वरना फंक्शन तो वैसे भी रन होते रहते हैं, अगर जरूरत पड़ी डाटा की तो डाटा यूज़ कर लिया। अब हमने सिनेरियो ये दिया कि हम अगर दोनों को अलहदा से मैनेज करें, डाटा को अलहदा और फंक्शंस को अलहदा, फिर क्या होगा, हम फंक्शंस के जरिए अगर चेंज करें डाटा में तो वो तो हम इजीली देख सकते हैं कि आप कहाँ से गया, ये भी डाटा नहीं तो वो दूसरा फंक्शन वो भी डाटा एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ये एक डाटे को मैनी रिलेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह मैनी फंक्शंस जो उनसे हैं वो मैनी डाटा यूज़ कर रहे हैं। तो हम फंक्शन के थ्रू चेंज अगर डाटा के अंदर करें तो वो तो हम दूसरे फंक्शन के जरिए थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के जरिए हासिल कर सकते हैं, वो चेंज वगैरह जो भी होगी, लेकिन अगर डाटा जो है उसमें चेंज कर लिया जाए सेपरेटली, जो हम इसे यूज़ कर रहे हैं ना डाटा में चेंज करते हैं, तो इन फंक्शन को नहीं पता होगा कि वो चेंज किधर गई, क्योंकि डाटा जो हम यूज़ कर रहे हैं मॉडिफिकेशन डाटा के थ्रू हमने किया, फंक्शन इसमें ऐड नहीं था, फंक्शन तो वही जगह एक्सेस करेंगे जहाँ पे हमने डाटा स्टोर किया, तो अब वो डाटा हमने चेंज कर दिया उस जगह से, तो वो इसमें कई फंक्शन है सबको जो है वो रॉन्ग मेमोरी एक्सेस कर रहे होंगे, तो अब जब चेंज हो गया तो बस तब हम जो है फंक्शन सारों को नहीं ढूंढ सकते, ठीक है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर सेपरेट इनको हैंडल किया जाए। तो नीचे भी इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है आप देख सकते हैं, ठीक है, ओवल जो है वो डिपिक्ट करें फंक्शन को, रेक्टेंगल स्फीयर डाटा को, तो फंक्शन जो है वो कंटेन डायनेमिक इन्फॉर्मेशन, डाटा कंटेन नॉन स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, तो फंक्शन और डाटा जो है अलग-अलग सेपरेटली मैनेज किए गए हैं। तो नीचे फिर ये बड़ा बड़ा सारी जो है दिए गए हैं, तो इट इज ईजी टू मेक ए चेंज इन ए फंक्शन सिंस वी वुड नो विच डाटा कंपोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड बाय दिस चेंज। फंक्शन के थ्रू मतलब चेंज करना ईजी है, ऑन द अदर हैंड चेंजिंग द डाटा स्ट्रक्चर वुड बी डिफिकल्ट, अगर डाटा की तरफ से चेंज किया जाए, डाटा स्ट्रक्चर को हैंडल करते हुए चेंज की जाए, तो फिर वो फंक्शन वगैरह को नहीं पता लगेगा, इट वुड नॉट बी ईजी टू फाइंड ऑल द फंक्शन दैट आर यूजिंग दिस डाटा। तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दी थी उसको समझने के लिए सिर्फ, तो नीचे उन्होंने बताया इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन सिंस डाटा एंड फंक्शन आर पुट टुगेदर इन वन क्लास। आपको पता होगा जब हम क्लास क्रिएट करते हैं उसमें हम एक तो जो है डाटा मेंबर डिफाइन करते हैं, दूसरे नंबर पे मेथड्स डिफाइन करते हैं, फंक्शन जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो हम एक क्लास के अंदर रख रहे हैं, तो जब हम उनमें कोई चेंज वगैरह करेंगे तो वो अफेक्टेड कंपोनेंट्स जो भी होगा यानी कि डाटा में चेंज आएगा या फिर फंक्शन में चेंज आएगा उस क्लास के अंदर ही आएगा, ठीक है, वो लोकलाइज्ड क्लास होगी, ठीक है, तो इसलिए मेंटेनेंस बिकम रिलेटिवली इजी एज कम्पेयर टू द फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। तो ये जो सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमने क्लियर कर लिया कि वो मुश्किल हमारी ख्याल हो जाती है, तो ये हमारा था फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन।
तो ये अब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है उसमें हमारे लेजी हो गया है इस चीज़ को हैंडल करना। तो अब जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जो है उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन? द ऑब्जेक्ट एंड द क्लास। क्लास हम ये दोनों एक ही चीज़ है, मैंने बस थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, पर्सन क्लास है, और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब एक दफ़ा हमें क्लास डिफाइन कर देनी है, उसकी सारी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसके मेथड वगैरह जो जो फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है क्लास, उसको आगे ऑब्जेक्ट जो है वो उसी में से हम ले रहे हैं, दोबारा रीयूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में उस क्लास को। बस इतना फर्क आपने याद रखना है। तो बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है बेसिक यूनिट है इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में, यानी सारी बात चीज़ होगी इसी पे होगी, ऑब्जेक्ट वगैरह पे। तो एक ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है जी? टेंजिबल एंटिटी दैट एग्जिबिट सम वेल डिफाइंड बिहेवियर। मतलब हम इसे महसूस कर सकते हैं ये क्या चीज़ होगी। ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है, जैसे कार कह रहे हैं ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, अगर बुक कह रहे हैं ये भी ऑब्जेक्ट है, इसी तरह जो चीज़ मर्जी हम डिफाइन कर लें वो ऑब्जेक्ट में आएगी। ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एटम यूनिट और एंटिटी आइदर रियल और एब्स्ट्रैक्ट विद ए वेल डिफाइंड रोल इन द प्रॉब्लम डोमेन। रियल या फिर एब्स्ट्रैक्ट होगी जिसका खास रोल डिफाइन किया जा रहा हो प्रॉब्लम में। ऑब्जेक्ट की तीन कंडीशन बताएं, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। अब ये ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट क्या होगी? स्टेट ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देयर करंट वैल्यूज आर द स्टेट्स। ठीक है, द प्रॉपर्टीज यूजली स्टैटिक होती हैं, ऑल द प्रॉपर्टीज हैव सम वैल्यूज। तो स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनकैप्सुलेटेड विद इन द ऑब्जेक्ट। अब हर ऑब्जेक्ट जो है उसकी अपनी स्टेट होती है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, एक कार है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके अब अभी हम कहते हैं जी कलर। स्टेट में जो है वो एक कलर आ रहा है, कलर हमने दिया इसकी प्रॉपर्टी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू उसका होगा जी कलर कौन सा, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ये उसकी वैल्यू होगी। तो ऑब्जेक्ट की जो है स्टेट है उसमें इसकी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज आ रही हैं। तो स्टेट का तो पता लग गया जी, इसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। अच्छा, स्टेट जो है वो प्रॉपर्टीज और वैल्यूज, तो बिहेवियर हम बात करेंगे जो इनके उसकी एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो तीसरे नंबर पर जैसे आइडेंटिटी है ना ऑब्जेक्ट की, वो उसका इनकी यूनिकनेस होगी, नेम ऑब्जेक्ट का। हम जैसे कि नेम भी दे देते हैं हर ऑब्जेक्ट की जो क्रिएट करेंगे क्लास में से, यूजली हम रखते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री, ये उसकी यूनिकनेस है, ये आइडेंटिटी है उस ऑब्जेक्ट की। इस सेकेंड इसे जो देता है बिहेवियर, वो क्या जी? एक्ट्स एंड रिएक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि किस तरह ये ऑब्जेक्ट जैसे वो एक्ट करेगा या उसके ऊपर रिएक्ट करेगा किसी भी मैसेज वगैरह के ऊपर। इन टर्म ऑफ इट्स स्टेट चेंजेस एंड मैसेज पासिंग। जब मैसेज यानी कि इसको कोई दिया जाए कि ये एक चीज़ ऑर्डर जो मिलता है ये करो ये करो, तो उसका बिहेवियर चेंज होता है, यानी कि स्टेट चेंज होती है, तो उसे कहते हैं बिहेवियर। द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली डिफाइंड बाई इट्स एक्शन, कि इसके ऊपर एक्शन क्या लिया जा रहा है। तो एक मैसेज उनसे वो सम काइंड ऑफ एक्शन है, ठीक है, कि जो वन ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है अपॉन अनदर ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू एलिट ए रिएक्शन, कि उसको कोई रिएक्शन मिले हमें। तो द ऑपरेशन दैट क्लाइंट्स में परफॉर्म अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैथड। कि जो क्लाइंट उसके ऊपर लगाएगा ना एक्शन वगैरह या मैसेज वगैरह भेजेगा, तो वो मैथड कराएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ऑर्डर है उसका वो ऑब्जेक्ट है ऑर्डर, तो उसके ऊपर मेथड कौन कौन से लगा सकते हैं जी? ऑर्डर यानी कि प्लेस करना ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में एडिट करना, तो ऑर्डर को जो है कैंसिल करना। तो ये उसकी स्टेट्स जो है ये तीन जन की स्टेट्स वगैरह, तो ये चेंज हो सकती हैं। अगर जो इनके क्लाइंट जैसे वो कहते हैं जी ऑर्डर कैंसिल कर दो, ठीक है, वो एक मैसेज ये है, तो उसके ऊपर बिहेवियर उसका ऑर्डर है वो कैंसिल में आ जाएगा, उसका बिहेवियर कैंसिल हो जाएगा। एंड द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड इन दिस कॉमन क्लास। स्ट्रक्चर और बिहेवियर जो है एक जैसे ऑब्जेक्ट्स का वो डिफाइन होगा उनकी कॉमन क्लास जो है उसके अंदर। तब एक क्लास जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एब्स्ट्रैक्शन कह रहे हैं, सेंस कह रहे हैं, रूल यानी कि टेम्पलेट जो कि ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट होती है। यानी कि हम एक दफ़ा क्लास डिफाइन कर देते हैं, तो उसमें से बेशक आगे हजारों ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर दें। तो इसलिए ऊपर उन्होंने कहा स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स जैसे होंगे उनका स्ट्रक्चर और बिहेवियर वो एक ही क्लास के अंदर जो है वो डिफाइन होगा, क्योंकि एक ही क्लास में से दोनों निकले होंगे ऑब्जेक्ट। क्योंकि बिहेवियर जो है वो ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह एक्ट कर रहा है, कि वो किस तरह काम वगैरह कर रहा है सारा कुछ। क्योंकि मैसेज पासिंग के जरिए ऑब्जेक्ट्स का जो है वो बिहेवियर चेंज होता है, तो मैसेज जो है वो है सम एक्शन दैट वन ऑब्जेक्ट परफॉर्म अपॉन एन अदर। क्योंकि ऐसा एक्शन जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म हो रहा है, उसकी वजह से जो बिहेवियर चेंज हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का। उसके बाद ये नीचे मैंने इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन की बात की है। एक क्लास स्पेसिफाई दैन इंटरफेस, इंटरफेस वो होता है द आउटसाइड व्यू, द पब्लिक पार्ट। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें हम एक तो डाटा मेम्बर जो रखते हैं प्राइवेट रखते हैं, एक हम पब्लिक रखते हैं, और तीसरे नंबर पर लिस्ट यानी कि आई थिंक प्रोटेक्टेड तीसरे नंबर पे। ये तीन इंटरफेस वगैरह हम रखते हैं, यानी कि
डेटा डिक्लेयर वगैरह करते हैं पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो इंटरफेस में हम पब्लिक में रखते हैं पब्लिक पार्ट आउटसाइड व्यू और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इनसाइड व्यू द प्राइवेट पार्ट। अब जो नेक्स्ट है वो क्लासिफिकेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेज है ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का। इसमें यह है कि क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे ऑब्जेक्ट्स की इनटू ग्रुप्स एंड क्लासेस, यानी कि ग्रुप्स वगैरह बना रहे थे इनके ऑब्जेक्ट्स के। तो प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो है उसके लिए ये रिक्वायर्ड होता है कि लुकिंग एट द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल एंड विद एन ओपन माइंड, मतलब गौर और फिक्र करके देखना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट के वगैरह को, यानी कैटेगरीज हमने बनानी है इसमें। इसमें डाटा हेड टेल बॉडी लेग उसके बिहेवियर वॉक रन ईट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसमें कैरी थिंग्स कम्युनिकेट मेंटेन इट्स लिविंग सिस्टम। ये तीन लिहाज से इन्होंने कैटेगराइज किया है। कम्युनिकेट पता नहीं क्या इसके बारे में बात करना वगैरह ये होगा। सो अब ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है इसमें जो सी इसकी डेफिनेशन ये है कि एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कलेक्टिवली आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन आ गई, इनकैप्सुलेशन, हायरार्की और इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट में हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक है टू डील विद कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। तो इसमें हम ये करते हैं इग्नोर इट्स एसेंशियल डिटेल्स डीलिंग इंस्टेड विद जनरलाइज्ड आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हम बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं वो इसमें काउंट करते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्शन फोकस ऑन द आउटसाइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, बेसिक काम ये क्या करेगा ठीक है। तो इसमें ये आ रहा है सेपरेट्स एंड ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल बिहेवियर फ्राम इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उसकी मेन मेन प्रॉपर्टीज और उसके जनाब मेथड्स वगैरह ये एब्स्ट्रैक्शन में हम काउंट करेंगे। दैन जो है इनकैप्सुलेशन आ रही थी, इनकैप्सुलेशन प्रिवेंट क्लाइंट फ्राम सीइंग इट्स इनसाइड व्यू, ये वही है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी इनकैप्सुलेटेड। इसमें जो है वो डाटा मेंबर हाइड कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा इंटेलिजेंट इनकैप्सुलेशन जो है वो लोकलाइज कर लेते हैं डिजाइन डिसीजन दैट आर लाइकली टू चेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन चेंज करना विदाउट डिस्टर्बिंग एनी ऑफ इट्स क्लाइंट्स, ये बेनिफिट है इनकैप्सुलेशन का। सो नाउ वी कम टू द मेन पॉइंट रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम बात करेंगे इनहेरिटेंस एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन की। तो ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक व्यू ऑफ द सिस्टम्स और इलस्ट्रेट करता है कि किस तरह हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो कोलाबरेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो उसमें जो है इनहेरिटेंस और ये एसोसिएशन एग्रीगेशन ये तीन जो है ना इंटर ऑब्जेक्ट्स रिलेशनशिप है स्पेसिफाइड बाय द ऑब्जेक्ट मॉडल। अब यहाँ पे हमने इंटर ऑब्जेक्ट्स रिलेशनशिप चूज किया है। इसमें ये इसलिए कि अगर ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो उसकी अलहदा से बताई जाना डिटेल्स तो वो इंट्रा में आती है एक ही, लेकिन अब हम इसके साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एसोसिएट कर रहे हैं तो वो अब डिफरेंट जो से ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में एसोसिएशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटर ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अब अगर सिंगल होता तो वो इंट्रा में आना था, अब ये इंटर में चला गया। तो अगर इनहेरिटेंस जो है ये एक डिफाइन करते एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस में जो होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ठीक है, तो ये हम कहते हैं जी इज ए काइंड ऑफ बाय इनहेरिटेंस वी स्पेसिफाई जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स। अभी रिलेशनशिप ए क्लास कॉल्ड द सब क्लास शेयर द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर डिफाइंड इन अनदर क्लास कॉल्ड द सुपर क्लास। सो ये बेसिकली क्लासेस की बात हो गई यहाँ पे, काइंड ऑफ क्लासेस के अंदर होगी इनहेरिटेंस। जैसे एक सब क्लास हम जिसका ऑब्जेक्ट होगा वो हमने इनहेरिट किया होगा सुपर क्लास से, ये सुपर क्लास। सब क्लास शेयर द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर डिफाइंड इन अनदर क्लास कॉल्ड द सुपर क्लास। तो ये सब क्लास जो ये चाइल्ड क्लास होगी, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है उसके पास सारी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर वगैरह होंगे जो कि इस सुपर क्लास के अंदर होंगी। तो ये सब क्लास जो ये इनहेरिट हुई है फ्रॉम दिस सुपर क्लास, कह लें या पेरेंट क्लास कह लें सुपर क्लास कह लें। तो ये इनहेरिटेंस जो है डिफाइंड ए काइंड ऑफ हायरार्की अमंग क्लासेस, क्लासेस के अंदर हो रही है ये हायरार्की वगैरह जो इनहेरिटेंस हो रही है ना क्लासेस के अंदर है। तो अभी हम जब ये सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी सुपर क्लास की भी और इसकी सब क्लास की अपनी भी होगी, वो भी प्रॉपर्टीज होंगी। तो इसका जो सा रिलेशनशिप है वो जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, ये इसके अंदर रिलेशन होगा। तो अब हमने एब्स्ट्रैक्शन के तरीके से ग्रुपिंग की थी, उसमें मैं ये बता रहा कि कॉमन कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होगी और लहदा डिफरेंट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी इनके अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो जो हमें आगे जाके मदद करेंगी इनहेरिटेंट कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए कि किस तरह हमने इनहेरिटेंस जो क्रिएट करनी है वो किस तरह करेंगे। तो ये क्लास है व्हीकल, तो ये जो है इनहेरिटेंस हुई है क्लास जो है ये बस की लहदा है, कार क्लास लहदा है, ट्रक क्लास लहदा है। तो ये तीनों व्हीकल हैं। तो इनहेरिटेंस क्या चीज़ थी काइंड ऑफ ठीक है, तो इधर वही चीज़ जो हो रही जैसे बस इज अ काइंड ऑफ व्हीकल, कार इज अ काइंड ऑफ व्हीकल, ट्रक इज अ काइंड ऑफ व्हीकल। तो इस ट्रक कार बस में ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं ये वाली
फंक्शंस ये होंगे फ्यूल माउंट कैपेसिटी अप्लाई ब्रेक्स, ये तीनों फंक्शन इसके तीनों बसेस में यानी कि बस कार ट्रक में तीनों में होंगे। ये हमने किया इनहेरिटेंस। तो एसोसिएशन रिलेशनशिप जो है इसमें ऑब्जेक्ट ए यूजेस ऑब्जेक्ट बी, द रिलेशनशिप डिफाइंस विजिबिलिटी अमंग ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह एसोसिएशन जो है उसके ये कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में एसोसिएशन की है, ठीक है, स्टूडेंट टॉट बाई टीचर, तो ये एसोसिएशन हो गया हमें। सो नेक्स्ट जो है एग्रीगेशन रिलेशनशिप, इसमें ये पार्ट ऑफ, ठीक है, ये जैसे ऊपर जो सा इनहेरिटेंस में काइंड ऑफ था ना, इसमें पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर अमंग ऑब्जेक्ट्स। जितना ये कि जब ऑब्जेक्ट ए जो है ना वो पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ए जो है वो बी का हिस्सा है, तो ए इज सेड टू बी कंटेन्ड बाई बी। जैसे अब इंसान है ना, इसकी बाजू जो सी है, बाजू टांग, ये पार्ट ऑफ ए पर्सन, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। यार देखें जैसे ये पर्सन है ना, इनके बीच में ये एग्रीगेशन है, ये बी क्या ले, हेड इज द पार्ट ऑफ पर्सन, हैंड इज द पार्ट ऑफ पर्सन, लेग इज द पार्ट ऑफ पर्सन, तो इसमें जो है टाइट कपलिंग हो गई अमंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो अब हम एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन जो है उसके ऊपर बात करेंगे जरा थोड़े डिटेल के अंदर। इनके अंदर हमने बेसिक डिफरेंस देखना है। अब एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो अकेले नहीं रह सकता, तो उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जारी बात है रिलेशनशिप हमें शो करने पड़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन विच दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इंक्लूड एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड इनहेरिटेंस। और भी हैं काफ़ी, लेकिन हम इन तीन का अपने पढ़ा भी। तो इनहेरिटेंस जो है वो जनरेट्स कर रहा है काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो इसी तरह एग्रीगेशन जो है वो पार्ट ऑफ शो कर रहा है। तो जो एसोसिएशन है ये सिमेंटिक कंसर्न है। तो इन्होंने बोला कि एनी फर्दर एलैबोरेशन ऑन इनहेरिटेंस रिलेशनशिप इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। तो इसलिए हम जो है कॉन्सेंट्रेट करेंगे एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन रिलेशनशिप पे सिर्फ। तो पहले हम एग्रीगेशन की बात करेंगे। एग्रीगेशन आपको पता है पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ समथिंग आर इनकैप्सुलेटेड विद इन एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द एंटायर असेंबली। जैसे कि एक इंसान है, इसके पार्ट्स जैसे है कान नाक बाल वगैरह, ये पार्ट ऑफ है, ठीक है। तो ये एग्रीगेशन है इनके बीच में, इनकैप्सुलेटेड विद इन एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द एंटायर असेंबली। तो एंटायर असेंबली जो होता है ये होल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके पार्ट्स हैं दूसरे सारे छोटे ऑब्जेक्ट्स। तो ये कंटेनर भी आप कह सकते हैं, कंटेनर या असेंबली। तो इसके बीच में जैसे ये टाइटल कपलिंग है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप, ये टाइटल कपलिंग हुई है। जैसे पहले हमने बात की थी कि कपलिंग जैसे वो लूज होनी चाहिए, लेकिन ये जब पार्ट्स की बात आ रही है ना किसी ऑब्जेक्ट्स के, तो उसमें हम ये कि टाइट कपलिंग रख रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर इन पार्ट्स का फायदा नहीं है, ये पार्ट्स उसके बगैर रह नहीं सकते। इतना इन्होंने ये बीच में कुछ किया कि लोकल मॉडिफिकेशन के जरिए भी हम कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो ये इतनी शायद इंपॉर्टेंट ना हो। तो नीचे इन्होंने कहा इफ दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली सो दैट इज एग्रीगेशन, इफ दे आर यूजली कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट इट इज एन एसोसिएशन। अगर ये अकेले अपनी कुछ वैल्यू रखते हैं, जैसे मैं कुछ ही मेरी जस्ट टांग दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये कहीं पर यूज कर लो, तो मतलब ये कि अकेले इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते ये ऑब्जेक्ट, ये एसोसिएट लाजमी करेंगे इसके साथ एग्रीगेशन। अगर ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं फिर तो ये एसोसिएशन के अंदर आएगा, इनका रिलेशनशिप एसोसिएशन के अंदर है। तो जब हम क्रिएशन एंड लाइफ टाइम की बात करते हैं, तो इसको हम अगर देखें ना लाइफ टाइम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो जब एक ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंशिएटेड क्रिएटेड होगा, क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट जब, यानी कि उसको वैल्यू वगैरह असाइन की जाएंगी, तो ऑल ऑफ इट्स पार्ट मस्ट ऑल्सो बी इंस्टेंशिएटेड एट द सेम टाइम बिफोर एनी यूजफुल वर्क कैन बी डन एंड ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स डाई विद इट। ये एग्रीगेशन वाले जो होंगे ना ऑब्जेक्ट्स, वो सारे एक इकट्ठे क्रिएट होंगे, तो जब उनको डिस्ट्रक्ट किया जाएगा तब वो इकट्ठे मिल के ख़त्म होंगे। वही सीन हो गया ना कि हम तो डूबे हैं, तो तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये अगर डूबेगा तो साथ सारे अपने पार्ट्स को लेके डूबेगा एग्रीगेशन, जबकि एसोसिएशन जो है वो उसको लाइफ टाइम के हवाले से देखा जाए कि वो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, तो ये इकट्ठे यानी कि क्रिएट नहीं होंगे। हाँ अगर ये यानी कि इकट्ठे क्रिएट होना चाहते हैं तो ये मैसेज भेजेंगे दूसरे को कि तू भी क्रिएट हो जाए, मैं तो हो गया हूँ, तो इस तरह ही होंगे। फिर कपलिंग एंड लिंकेज में जो है, अब एग्रीगेशन में जो है वो तो एक साथ ही क्रिएट हो रहे हैं ना, तो उनका लिंक जो है बीच में होगा ऑब्जेक्ट्स वगैरह के, तो वो तो परमानेंट रहेगा उनके बीच में, स्पॉट और परमानेंट। वाले इन केस एसोसिएशन में आएंगे तो उसमें लिंक जो है वो मेंटेन किया जाएगा ओनली जस्ट फॉर द पीरियड, कुछ खास समय के लिए, एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स जितना उस ऑब्जेक्ट को चाहिए, सर्विस ऑफ इट्स एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट एंड मे बी डिस्कनेक्ट आफ्टरवर्ड। यानी कि जितना तक वो उनके एसोसिएशन बीच में कायम रहेगी तो उनके बीच में लिंक वो कायम रहेगा, तो उसके बाद जब वो ख़त्म करना चाहेंगे तो वो डिसकनेक्ट कर देंगे बाद में। तो जब हम बात करते हैं ओनरशिप एंड विजिबिलिटी की, तो इसमें भी हम वही एग्रीगेशन और एसोसिएशन को देख रहे हैं पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। समझिए कि जब हम एग्रीगेशन को देखें तो इसमें जो पार्ट है उसके वो हिडन है विद इन द होल एंड इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड,
कोई और ऑब्जेक्ट इसे एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ जिसके वो पार्ट है ना, होल ऑब्जेक्ट जो है और उसके जो से पार्ट है एग्रीगेट हुए हैं उनको वो होल वाला ऑब्जेक्ट जो वो एक्सेस कर सकता है, आउटसाइड नहीं कर सकता है। लेकिन जबकि एसोसिएशन में ये है कि आउटसाइड से कोई भी इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो इसी तरह इन केस एसोसिएशन एनीवन हु होल्ड्स अ रेफरेंस टू इट कैन कम्युनिकेट विद इट डायरेक्टली। तो जबकि एग्रीगेशन में सिर्फ जो मेन पार्ट है वही उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं उनके पार्ट्स को। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई एग्रीगेशन वाली, तो इसमें जो है कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स डू नॉट इवन नीड टू नो अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस। किसी और को पता भी नहीं होगा कि ये ऑब्जेक्ट्स इसके क्रिएट हुए हैं, इस पॉट के अंदर हैं ये। सो एंड में जो है डेटाबेस प्रसिस्टेंस, यानी कि डेटाबेस के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो जब एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्टोर हो रहा है डेटाबेस के अंदर, अगर वो एग्रीगेशन है तो उसके सारे कंपोनेंट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द होल मस्ट ऑल्सो बी परसिस्टेड इन देयर एंटायरिटी अलॉन्ग विद द होल फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। एग्रीगेशन में जो है सारे पार्ट्स ऑब्जेक्ट के वो स्टोर होंगे, सिर्फ रेफरेंस नहीं। जबकि एसोसिएशन जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस भी चल जाएगा। बेशक एसोसिएशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट किसी जगह पड़ा हुआ है, दूसरा किसी जगह पड़ा, उसका रेफरेंस चल जाएगा। लेकिन जो है एग्रीगेशन में यह है कि वो मुकम्मल ऑब्जेक्ट, होल ऑब्जेक्ट जो है यानी कि कंटेनर पूरा, वो उसके अंदर सारे पार्ट्स जो से होते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं एग्रीगेट में, वो सारे एक जगह पे सारे स्टोर होंगे। तो मैंने एक और चीज़ बोली नोट करने की कि नॉर्मलाइज डेटाबेस वुड ऑल्सो इन्फोर्स अबाउट रिस्ट्रिक्शन। यानी कि नॉर्मल हम डेटाबेस जो होते हैं उसके हमने अगर ये क्रिएट करनी है इस तरह, तो उसमें भी हमें ये रिस्ट्रिक्शन उसमें ऐड करनी है। तो आज के लिए इतनी, बाकी फिर नेक्स्ट चैप्टर में लेक्चर नंबर 14 वो फिर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई चीज़ कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने गलत आपको बयान किया हो तो वो काइंडली खुद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी अभी साथ साथ ही पढ़ रहा हूँ तो हाईलाइट कर रहा हूँ। तो मेरे समझने में कोई चीज़ हो सकती है कि जो मैं किसी और माइंड से समझ रहा हूँ तो आपको किसी और तरीके से हो, या फिर बुक के अंदर कोई और तरीके से बताया गया हो लेकिन मैं किसी और तरीके से समझ रहा हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले सॉरी। तो बाकी मेरी कोशिश पूरी है कि जो जो सही तरीके से नेट से भी हेल्प मिले वो भी मुकम्मल हेल्प ले के आपको तब क्लियरली समझाऊँ। मुझे बस जो समझ आ रही है तो वही जस्ट आपके साथ डिस्कस करूँ। तो बाकी फिर देख चाहिए कनेक्टेड चैनल के साथ एंड गो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को भी लाइक करो एंड चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करो ना, साथ में जो सर एक घंटे का बटन है ना इसको तो लाजमी टका टक कर दो। मिलते हैं।